सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम गति के समीकरणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम गति का प्रथम नियम यानी कि गति के टोटल तीन नियम रहते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम, जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। प्रथम नियम जो है वो क्या कहता है, गति का जो प्रथम नियम है, इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट चीज में और इम्पोर्टेंट परिभाषा में पूछा जाता है कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व या गति का प्रथम नियम क्या होता है। तो यहां से मैं क्लियर कर देता हूं कि गति का प्रथम नियम दो भागों में बांटा जाता है। गति का प्रथम नियम दो भागों में पढ़ते हैं, पहला स्थिर अवस्था का जड़त्व, पहला है स्थिर अवस्था का जड़त्व और दूसरा है गति अवस्था का जड़त्व। गति अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था के जड़त्व से मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, बाह्य बल कार्य नहीं करे। यही स्थिर अवस्था का जड़त्व है कि कोई वस्तु मान लीजिए रुकी हुई है विराम अवस्था में, तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। ये है स्थिर अवस्था का जड़त्व। बात करें हम गति अवस्था के जड़त्व की, तो गति अवस्था के जड़त्व में भी हम यही परिभाषा डिनोट करेंगे सेम जो पहले लिखी थी, उसका थोड़ा सा रूप चेंज करना है कि कोई वस्तु गति अवस्था में है, कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। यानी कि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी जब तक कि बाह्य बल कार्य नहीं करे। इसके बाद हम समझते हैं जड़त्व को, और जड़त्व एक इम्पोर्टेंट टर्म रहती है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जड़त्व का मतलब ये है कि माना कि कोई वस्तु स्थिर पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। कोई वस्तु स्थिर पड़ी हुई है या कोई वस्तु गतिशील है, दोनों चीज़ें मैं साथ में ले रहा हूँ। कोई वस्तु स्थिर है और कोई वस्तु मान लीजिए गतिशील है, तो वस्तु वो स्थिर ही बनी रहेगी और वो वस्तु गतिशील ही बनी रहेगी। माना कि मैं इस स्थिर वस्तु को गतिशील करना चाहता हूँ और गतिशील वस्तु को मैं स्थिर करना चाहता हूँ, तो ये वस्तुएँ अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ये जो वस्तुएँ हैं, ये वस्तुएँ अपनी पूर्व स्थिति, या हम सीधा ही कहेंगे अपनी इसकी स्थिति, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, विरोध करती है, जिसे उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं, जिसे उस वस्तुओं का या उस वस्तु का या वस्तुओं का जड़त्व कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है जड़त्व की, कि जड़त्व क्या होता है कि वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, जिसे हम वस्तु का जड़त्व कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको समझते हैं कि स्थिर अवस्था का जड़त्व और जो गतिशील अवस्था का जड़त्व है वो किस प्रकार से होता है। माना कि कोई गाड़ी, कोई कार, कोई गाड़ी या कोई मोटर बाइक गति कर रही है, पहले हम मानेंगे कि स्थिर पड़ी हुई है। जब वो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आएगी तो वो गतिशील में आने के लिए विरोध करेगी, अपनी स्थिति में विरोध करेगी, तो क्या होगा कि ज्यों ही बाइक चलने लगती है, ज्यों ही बाइक एकदम चलने लगती है, तो व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, तो व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। इसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल्स लेता हूं जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। माना कि मेरे पास यहां पे गिलास पड़ी हुई है, इस गिलास में माना कि मैंने यहां तख्ता रखा, उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया। जो ही मैं इस तख्ते पर धक्का लगाऊंगा, जो ही मैं तख्ते पर एक बल लगाऊंगा, तो तख्ता यहां से खिसक जाएगा,
लेकिन सिक्के की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सिक्का अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा, जिसके कारण जो यहाँ पे सिक्का रहेगा वो सिक्का सीधा गिलास के अंदर जाके गिर जाएगा इस प्रकार से। तो इसे हम कहेंगे स्थिर अवस्था का जड़त्व। इसके अलावा एक अन्य चीज़ है, एक अन्य उदाहरण है जिसको समझ सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिए हैं सिक्कों की ढेरी ली है, और यहाँ पे मैंने एक अन्य सिक्का लिया है, और इस सिक्के को मैं मारता हूँ। जब मैं इस सिक्के को इस ढेरी के नीचे मारूंगा तो ये वाला सिक्का यहाँ से निकल जाएगा, बाकी वाले जितने भी सिक्के थे वो स्थिर अवस्था में रहेंगे, क्योंकि उनमें स्थिर अवस्था के कारण जड़त्व होता है। तो ये तो था स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण कुछ उदाहरण। इसी प्रकार से आप गतिशील अवस्था के कारण जड़त्व भी समझ सकते हो। यही वापस मैं लेने वाला हूँ, कार, गाड़ी या बाइक, जब ये गतिशील होती है और एकदम से रुक जाती है तो व्यक्ति को आगे की ओर धक्का लगता है, आगे की ओर धक्का इसलिए लगता है क्योंकि व्यक्ति गतिशील ही बना रहना चाहता है। भाई गाड़ी तो रुक गई लेकिन व्यक्ति गतिशील रहना चाहता था, इसलिए वो जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैं ले रहा हूँ गति अवस्था के जड़त्व में। मान लीजिए कोई ट्रेन है या फिर कोई गाड़ी है, उस गाड़ी में क्या होता है कि व्यक्ति एकदम से नीचे कूद जाता है, चलती हुई गाड़ी में या चलती हुई ट्रेन में। गाड़ी चल रही है या ट्रेन चल रही है उस कंडीशन में अगर वो सीधा नीचे उतरता है तो उसकी बॉडी गतिशील थी, और गतिशील बॉडी को करना क्या पड़ेगा कि गतिशील बॉडी को स्थिर कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपनी बॉडी को स्थिर कर रहा है, लेकिन वो स्थिर अवस्था में परिवर्तन, वो गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो जो ही वो नीचे गिरेगा तो वो गतिशील बना रहना चाहता है, इसलिए जो ही वो नीचे आएगा तो नीचे गिर जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करना है कि चलती गाड़ी में उतरते हैं तो थोड़ी देर तक जो चलना चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है वो संतुलित हो जाए, शरीर में संतुलन आ जाए। हालांकि इस प्रकार का जो है हमें नहीं करना चाहिए, चलती गाड़ियों से उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो हमारे जान के लिए भी घातक हो सकता है। तो ये तो था गति अवस्था का प्रथम नियम, जो हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे आप लाइक जरूर करें।